सरोजनी नगर फुटबॉल लीग का शुभारंभ किया है। इसमें अंतर स्कूली प्रतियोगिता में 18 टीमों और क्लबों ने हिस्सा लिया है। बता दें कि कुल 35 टीमों ने हिस्सा लिया है। वहीं महापौर सुषमा खरकबाल, उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री जतिन प्रसाद ने खास शिरकत की। विधायक राजेश्वर सिंह ने कहा कि हमारे देश का युवा जब तक मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा तब तक देश जल्दी ही विकास नहीं कर पाएगा, इसलिए फुटबॉल लीग शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी फिट रहे और तेजी से आगे बढ़े। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश तेजी से तरक्की कर रहा है। महापौर सुषमा जी, और ये बड़ी प्रसन्नता और हर्ष का विषय है, प्रधानमंत्री जी ने जो उनकी सोच और उनकी परिकल्पना और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी, उसको आगे ले जाने का काम हमारे विधायक राजेश्वर सिंह जी कर रहे हैं। और जो इन्होंने बास्केटबॉल लीग, क्रिकेट लीग और अब फुटबॉल लीग का प्रारंभ किया है, युवाओं को प्रोत्साहन, उनको फैसिलिटीज़ और आगे जो उनकी टैलेंट है उसको खोजने का जो एक तरीका है और प्रोत्साहन देने का, मैं शुभकामनाएं देता हूँ। युवाओं को फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली अलर्ट होना चाहिए, तभी वो देश के लिए बिल्कुल समर्पण के साथ कार्य कर सकते हैं। और उनका कंपटीशन आने वाले समय में लगातार टफ हो जाना, इसलिए उनको अपना बेस्ट देना है। बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए फिजिकल फिटनेस, मेंटल अलर्टनेस, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए।